हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वाणी का महत्व। इसको लिखे हैं नृपेंद्र अभिषेक नृप। वाणी के विषय में तमाम मनुष्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य का आभूषण है। मनुष्य को प्रकृति ने वाणी रूपी आभूषण दिया है, जिसके माध्यम से हम दूसरों के साथ अपने संबंधों की दिशा को निर्धारित करते हैं। वाणी में अमृत भी है और विष भी, मिठास भी और कड़वापन भी। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उचित ही कहा है, वाणी से भी बाणों की वर्षा होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वह दिन रात दुखी रहता है। मधुर वाणी जीवन में सफलता एवं लोगों के साथ हृदय में स्थान बनाने का प्रथम सोपान होती है, जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ अपनत्व से जुड़ पाते हैं। जीवन जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए मधुर वाणी से अधिक उपयोगी और कुछ नहीं होता। और वक्ता दोनों को आनंद विभोर कर देने वाली यह मधुर वाणी समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम, प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास की भी आधार स्तंभ है। कभी कभी कटु वचन जहर बुझे तीर से भी अधिक घातक होते हैं, जो हमारे संबंधों में विष घोलकर बड़ी टीस छोड़ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति के सौंदर्य से कई गुना अधिक प्रभाव उसकी वाणी में होता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति को संयमित वाणी से जीता जा सकता है। वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। वाणी का संयम व्यक्ति को प्रखर बना देता है। वाणी संयम एक प्रकार की वाक् सिद्धि है। जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया वह व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है। विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल सटीक सलाह दी है कि अपनी वाणी पर जरा ध्यान दीजिए, अन्यथा यह एक दिन आपको ले डूबेगी। इसलिए वाणी पर नियंत्रण की सिद्धि का संकल्प लेकर जीवन की नया पर लगाने में जुटना ही बेहतर है।